वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 12 इनकम टैक्सेस में अपना एक लेक्चर कवर कर रहे हैं जिसका टाइटल है प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स। और इस लेक्चर में हम प्रेजेंटेशन में कि कब करंट टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज़ को ऑफसेट कर सकते हैं, कब डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज़ को ऑफसेट कर सकते हैं, और फिर टैक्स एक्सपेंस कोई जो प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ से जो रिलेटेड टैक्स एक्सपेंस होता है वो पढ़ेंगे। फिर डिस्क्लोजर्स में मेजर कंपोनेंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस को सेपरेटली प्रेजेंट करना होता है तो हम डिस्कस करेंगे कि मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। फिर रिकन्सिलेशन एक डेवलप करनी होती है जो न्यूमेरिकल रिकन्सिलेशन है, ये अक्सर क्वेश्चंस में अब रिक्वायरमेंट होती है कि जब डिस्क्लोजर नोट बनाना है तो रिकन्सिलेशन भी बनाएं, तो इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर हम कुछ अदर डिस्क्लोजर्स की जो रिक्वायरमेंट हैं जो नैरेटिव डिस्क्लोजर्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सो प्रेजेंटेशन में जब ये बात आती है कि क्या करंट टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज़ को ऑफसेट कर सकते हैं या नहीं, तो उसका एक ऑफसेट क्राइटेरिया आईएस 12 ने दिया हुआ है और उसमें ये है कि एन एंटिटी शैल ऑफसेट करंट टैक्स एसेट्स एंड करंट टैक्स लाइबिलिटीज़ इफ़ एंड ओनली इफ़ द एंटिटी, यानी दो कंडीशंस हैं, ये दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए कि एक तो एंटिटी का लीगली इन्फोर्सेबल राइट हो कि वो ऑफसेट कर सकते हैं, और नंबर टू ये कि वो उस लीगल राइट को यूज़ करते हुए या तो नेट बेसिस पर ही सेटल करना चाहते हूँ या फिर एसेट और लाइबिलिटी को सिमल्टेनियसली रियलाइज करना चाहते हैं। तो इंटेंशन भी होनी चाहिए और लीगली इन्फोर्सेबल राइट भी होना चाहिए। अब टिपिकली हम जब देखते हैं करंट टैक्स एसेट और करंट टैक्स लाइबिलिटी की बात, तो अगर सेम टैक्सेशन अथॉरिटी से टैक्स लगा हुआ है जो एसेट भी और लाइबिलिटी भी, और टैक्स अथॉरिटी जो है वो नेट पेमेंट को अलाउ करती है, जैसे आपका जो टैक्स लाइबिलिटी है और आपका कोई रिफंड बनता है तो वो उसको नेट बेसिस पर अगर अलाउ भी करते हैं और टैक्सेशन अथॉरिटी भी सेम है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि आप ऑफसेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। इसी तरीके से डेफर टैक्स एसेट और लाइबिलिटी में आए तो इसके अंदर भी सिमिलर क्राइटेरिया है कि दो कंडीशंस का मीट होना लाजमी है तब आप ऑफसेट कर सकेंगे। नंबर वन ये कि आपका लीगली इन्फोर्सेबल राइट हो कि आप सेट ऑफ कर सकते हो करंट टैक्स एसेट और करंट टैक्स लाइबिलिटीज को, यानी डेफर टैक्स को तब ऑफसेट करेंगे जब आप करंट टैक्स को भी ऑफसेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डेफर टैक्स ने करंट टैक्स के थ्रू ही रिफ्लेक्ट होना होता है फ्यूचर पीरियड में। और डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटीज जो हैं, सेकंड कंडीशन ये है कि वो दो में से कोई एक क्राइटेरिया मीट कर रही हैं। सेकंड में या तो ये हो कि वो सेम टैक्सेबल एंटिटी हो, यानी हमारी एक ही एंटिटी है उसी से रिलेटेड जो डेफर टैक्स एसेट है उसी से रिलेटेड डेफर टैक्स लाइबिलिटी है। लेकिन समटाइम जब हम ग्रुप अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो डिफरेंट एंटिटीज हो सकती हैं, लेकिन डिफरेंट एंटिटीज हों तो फिर उसमें ये ज़रूरत है कि हम जो है हमारी इंटेंशन भी हो लीगली इन्फोर्सेबल राइट के साथ कि उसे नेट बेसिस पर हमने सेटल करना है या फिर सिमल्टेनियसली रियलाइज़ करना है एसेट को और सेटल करना है लाइबिलिटीज़ को। प्रेजेंटेशन में जब टैक्स एक्सपेंस की बात आती है तो स्टैंडर्ड की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि प्रॉफिट और लॉस जो ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ से होता है उससे रिलेटेड जो टैक्स एक्सपेंस और इनकम होगा वो प्रॉफिट और लॉस में ही प्रेजेंट किया जाएगा इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम। तो ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पॉइंट्स थे, अब हम डिस्क्लोजर्स की तरफ चलते हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट तो ये है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टैक्स एक्सपेंस और इनकम शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली, यानी ओवरऑल तो हमने एक टैक्स एक्सपेंस शो कर दिया लेकिन उस टैक्स एक्सपेंस में वो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से मिलकर बना है, उसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं जिनसे अल्टीमेटली वो टैक्स हमारा कैलकुलेट हुआ है, तो वो अलग अलग हमने जो चीज़ें प्रेजेंट करनी है। तो स्टैंडर्ड में तो इसको एक सिंगल पैराग्राफ के अंदर लिस्ट दी हुई है कि ये आइटम्स आपने बताने हैं, लेकिन हम इस लिस्ट के जो आइटम्स हैं उनको फाइव जो है स्मॉलर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप करंट टैक्स एक्सपेंस या इनकम बताएंगे और उसमें से अगर कोई एडजस्टमेंट आपकी प्रायर पीरियड से रिलेटेड है तो उसको सेपरेटली बताना है। इसी तरह डेफर टैक्स के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि एक होता है टेम्परेरी डिफरेंस का ओरिजिनेट होना, यानी न्यू टेम्परेरी डिफरेंस अराइज हुए या टेम्परेरी डिफरेंस जो है पहले अराइज हुए थे उनका रिवर्सल हुआ, तो उससे डेफर टैक्स जो अराइज हुआ वो अलग बताना है, और टैक्स रेट में चेंजेस और न्यू टैक्सेस के लगने की वजह से जो डेफर टैक्स अराइज हुआ वो आपने अलग बताना है। सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम परस्पेक्टिव से ये दो कैटेगरीज हैं जो अक्सर पूछी जा रही होती हैं, बाकी जो हैं वो बड़ी जो है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस की सिचुएशन हैं और उन्हीं सिचुएशन में हम उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अमाउंट ऑफ द बेनिफिट जो आपको इस वजह से राइज होता है कि जो प्रीवियसली आपने एक टैक्स लॉस रिकग्नाइज नहीं किया हुआ था अब आप कर रहे हैं, या पहले एक टैक्स रेट रिकग्नाइज नहीं किया हुआ था अब कर रहे हैं, प्रीवियसली अनरिकग्नाइज टैक्स लॉस टैक्स क्रेडिट टेम्परेरी डिफरेंस जो प्रायर पीरियड का है, अब उसकी वजह से चाहे आप कहते हो कि जी करंट टैक्स
रिड्यूस हुआ है या डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई बेनिफिट आपने रिकग्नाइज किया ड्यूरिंग द ईयर जो पहले अनरिकग्नाइज था तो उसको सेपरेटली बताएंगे। इसी तरीके से बाज़ुकात हम जो डेफर्ड टैक्स एसेट होता है तो उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते, या जो रिकग्नाइज किया होता है उसको कम कर देते हैं क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स इतने एक्सपेक्टेड नहीं होते। तो उसका राइट डाउन या रिवर्सल ऑफ राइट डाउन जो होगा जो डेफर्ड टैक्स एसेट से रिलेटेड होगा उसका एक्सपेंस अलग से बताएंगे। इसी तरीके से एक और रिक्वायरमेंट है IS-8 को जहन में रखते हुए इसे डिस्कस करना होगा हमें। IS-8 में ये रिक्वायरमेंट है कि जब आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं या कोई करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर करते हैं तो फर्स्ट हमारी चॉइस ये होती है कि हम उसको रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर में जाकर जो प्रीवियस टाइम है या ओपनिंग बैलेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ इक्विटी को एडजस्ट करेंगे या कंपेरेटिव पीरियड को एडजस्ट करेंगे। बट समटाइम्स जब डाटा अवेलेबल नहीं होता, ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है कि हम रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट या रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं कर सक रहे होते, तो इन दैट सिचुएशन आपने ये करना होता है कि फिर इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो उसका भी जो टैक्स एक्सपेंस का इम्पैक्ट होगा वो अलग से आपने बताना होगा। सो ये बड़ी एक्सेप्शनल सिचुएशन है कि जब आप IS-8 की नॉर्मल रिक्वायरमेंट अप्लाई ना कर पा रहे हो और उसकी वजह आपको फिर प्रॉफिट और लॉस में इम्पैक्ट डालना पड़ रहा हो IS-8 का, तो फिर आप उसको प्रॉफिट और लॉस के अंदर रिकग्नाइज कर रहे होंगे और फिर आपने उससे रिलेटेड टैक्स एक्सपेंस बताना होगा। फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पास्ट एग्जाम्स को खास तौर पे देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा डिस्क्लोजर बन जाता है वो है रिकन्सिलेशन का। तो रिकन्सिलेशन की रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमने एक एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि टैक्स एक्सपेंस और अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या रिलेशनशिप है। अब ये किसी एक तरीके से या दोनों तरीके से हमने रिफ्लेक्ट करना होता है। तो अगर एग्जाम स्पेसिफिकली डिमांड करे तो भाई आपको दोनों तरीके भी करने पड़ेंगे, और नहीं डिमांड करता तो आप कोई सा एक मेथड यूज़ कर लें। जो ज़्यादा इसमें से मेथड यूज़ होता है वो अमाउंट वाइज होता है कि एक न्यूमेरिकल रिकन्सिलेशन बनती है टैक्स एक्सपेंस की, और एक सेकेंड फिगर हम कैलकुलेट करते हैं जो कि अकाउंटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेबल टैक्स रेट होता है। तो इन दोनों को हमने आपस में रिकनसाइल करना होता है, इनके दरमियान जो डिफरेंस की रीजन होती हैं उनको हम लिस्ट डाउन करते जाते हैं और हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। एक अल्टरनेटिव भी है, और बाद का कुछ एंटिटीज़ तो इन दोनों बेसिस पर भी जो है रिफ्लेक्ट कर देती हैं, क्योंकि दोनों बेसिस पर भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो उसमें परसेंटेजेस को यूज़ किया जाता है टैक्स की। तो इसमें न्यूमेरिकल रिकन्सिलेशन बनती है एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट की और एप्लीकेबल टैक्स रेट की। एप्लीकेबल टैक्स रेट का मतलब ये है कि जिस तरह से टैक्स लॉ में लिखा हुआ है कि आपके ऊपर 30% टैक्स रेट लगेगा, और एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट कैलकुलेट होता है कि हम टैक्स एक्सपेंस को डिवाइड कर देते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट से। अब ये दोनों रिकन्सिलेशन का जो फॉर्मेट बनेगा और किन एक जो कॉमन एक क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से आइटम इस रिकन्सिलेशन के अंदर आ सकते हैं। तो इसमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हर वो चीज़ जो करंट टैक्स को में इनकॉर्पोरेट हो रही होती है और उसे वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से डिफ्रेंशिएट कर रही होती है हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट को, उसका इफेक्ट डेफर टैक्स में भी जाता है। और अगर उसका इफेक्ट डेफर टैक्स में नहीं जा रहा तो इसका मतलब है कि फिर वो इफेक्ट रिकन्सिलेशन में जाना है, क्योंकि रिकनसाइल होना है अल्टीमेटली टैक्स एक्सपेंस नहीं। टैक्स एक्सपेंस किससे बना हुआ है? करंट और डेफर टैक्स से बना हुआ है। तो हर वो चीज़ जो आपने करंट टैक्स की कैलकुलेशन करते हुए टैक्सेबल प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हुए अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट की थी उसका एक इम्पैक्ट डेफर टैक्स में होगा। और अगर वो इम्पैक्ट डेफर टैक्स में नहीं है, मे बी बिकॉज वो टेम्परेरी डिफरेंस ही नहीं है या सिर्फ रेट के चेंज का डिफरेंस है, तो वो जो अमाउंट होगी वो फिर रिकन्सिलेशन में रिफ्लेक्ट होगी। सो इसको अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो जो फर्स्ट हमारा फॉर्मेट है और सेकंड फॉर्मेट, ये दोनों फॉर्मेट हम बना सकते हैं। एक आप देख रहे हैं रुपीस की बेसिस पर है और एक परसेंटेज की बेसिस पर है। तो बेसिकली जो आप पे टैक्स लगना चाहिए दैट इज एप्लीकेबल टैक्स एट एप्लीकेबल रेट, लेकिन आपको कम टैक्स देना पड़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपकी कोई इनकम एग्जेम्प्ट है, या आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा होगा क्योंकि आपका कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया, चाहे करंट पीरियड में या प्रायर पीरियड में, या आपको इसलिए कम टैक्स देना पड़ रहा होगा कि किसी एक इनकम पे या किसी एक आइटम पे लोअर टैक्स रेट लग रहा है, या आपको इसलिए ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा होगा कि हायर टैक्स रेट लग रहा है। सो मेनली ये फोर रीजन होती हैं जिनकी वजह से ये रिकन्सिलेशन हम बना रहे होते हैं और ये डिफरेंस राइज हो रहा होता है। अगर ये फोर रीजन ना हो तो टैक्स एट एप्लीकेबल रेट और टैक्स एक्सपेंस इक्वल होगा, और एप्लीकेबल टैक्स रेट और इफेक्टिव टैक्स रेट जो एवरेज है ये सेम होगा। तो ये सिंपली आप फॉर्मेट जहन में रख लेंगे और इसके बेस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एंड में हम कुछ अदर डिस्क्लोजर्स डिस्कस करेंगे। तो कुछ अमाउंट्स ऐसी हैं इन्हें इनको भी सेपरेटली डिस्क्लोज करना स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, जैसे एग्रीगेट
करंट एंड डेफर्ड टैक्स, जो आइटम आप डायरेक्टली एक्सपेंस या क्रेडिट कर देते हैं इन द इक्विटी, जैसे जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी की रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करते हैं या प्रायर पीरियड एरर को ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेनिंग में एडजस्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड टैक्स वहीं पर डायरेक्टली टू इक्विटी चार्ज होता है, तो वो अमाउंट आपने बतानी है। इसी तरह से हर वो टैक्स जो हर कंपोनेंट से रिलेटेड जो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, वो बताना है। जैसे हम गेन ऑन रिवैल्यूशन रिकॉर्ड करते हैं अंडर IAS 16, तो उससे रिलेटेड जो टैक्स है वो सेपरेट बताएंगे, और हर कंपोनेंट का अलग बताना है। लाइक अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनसे रिलेटेड आपने कोई जो गेन है इन्वेस्टमेंट पे वो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड किया है, तो वो भी सेपरेट बताएंगे। इसी तरीके से अगर कोई आपके एप्लीकेबल टैक्स रेट्स चेंज हो गए हैं प्रीवियस पीरियड से, तो उनका भी एक एक्सप्लेनेशन देंगे कि पहले ये रेट एप्लीकेबल थे, अब ये रेट्स एप्लीकेबल हैं, वाई देयर इज अ चेंज, मोस्टली बिकॉज लॉ चेंज्ड। बट अगर आपकी कोई इस तरह से हुआ है कि आपकी कंपनी की क्लासिफिकेशन चेंज हो गई है, जिसकी वजह से डिफरेंट टैक्स स्लैब आप पर अप्लाई हो रहा है या डिफरेंट टैक्स की जो प्रोविजन हैं आप पर अप्लाई हो रही हैं, तो वो आप बताएंगे। इसी तरीके से अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कंसिक्वेंसेज ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर ऑफ एंटिटी, जो प्रपोज और डिक्लेयर हुए हैं बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ऑथराइज इशू, लेकिन उन्हें लाइबिलिटी के तौर पर रिकग्नाइज नहीं किया, क्योंकि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है ईयर एंड पर, तो फिर तो उसकी लाइबिलिटी रिकग्नाइज की जाती है। अगर ईयर एंड के बाद प्रपोज हो या ईयर एंड के बाद इवन डिक्लेयर हो, तो वो फिर जो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, जिसका डिस्क्लोजर तो होता है अंडर IAS 10, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट हम नहीं कर रहे होते। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसके टैक्स कंसिक्वेंसेज भी आपने बताने, ताकि शेयर होल्डर्स को जब आप ये बता रहे हो कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, तो साथ ही ये भी बता रहे हो कि उसमें से इतना टैक्स भी डिडक्ट हो जाएगा। फिर एक स्पेसिफिक जो डिस्क्लोजर है, जब आप डेफर टैक्स एसेट को रिकग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में, तो वो डिस्क्लोजर आपको देना है, और वो ये है कि आपने अमाउंट ऑफ डेफर टैक्स एसेट डिस्क्लोज करनी है, और नेचर ऑफ एविडेंस जो उसकी रिकग्निशन को सपोर्ट करता हो। कब? वैसे नॉर्मली तो अगर आपका डेफर टैक्स एसेट आता है और आप उसे रिकग्नाइज कर लेते हैं, यू कैन डू इट। बट कुछ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे थोड़ा सा आप कह लें कि रिस्की सिचुएशन होती है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि आप एविडेंस की नेचर भी बताएं जो आपके पास है, जो उसकी रिकग्निशन को सपोर्ट करता है। और वो सिचुएशन होती है जब दो क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। नंबर वन तो ये कि आप कहते हो कि डेफर टैक्स एसेट जो है वो डिपेंडेंट है फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर, कि जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है उसके अलावा फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स आएंगे, तो डेफर टैक्स एसेट आपका रियलाइज होगा, रिकवर होगा, वरना नहीं हो सकता। और एंटिटी ने करंट या प्रिसीडिंग पीरियड में, यानी इस साल में या पिछले साल में, जिस टैक्स ज्यूरिडिक्शन में है वहाँ पर हमने लॉस सफर किया था। तो ये एक बड़ी जो है ना स्पेसिफिक सिचुएशन होगी कि हम डेफर टैक्स एसेट रिकग्नाइज कर रहे हैं जो कि फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स पर डिपेंडेंट है, और हमें करंटली जो है या प्रीसीडिंग ईयर में लॉस हुआ है, तो इससे एक रिस्की सिचुएशन नज़र आती है कि अगर लॉसेज हो रहे हैं तो फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स को जो है क्यों एज्यूम किया जा रहा है, और उनकी बेस पर डेफर टैक्स एसेट क्यों रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो मे बी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हों, आपके पास प्रोजेक्शन हों, तो आप उसका जो नेचर ऑफ एविडेंस है वो बताएंगे और अमाउंट को डिस्क्लोज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।